अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम तैयार करेंगे मलेशियन पैनल के डोर। तो उसको तैयार करने के लिए सबसे पहले तो हम बाज़ार से सामान ख़रीद कर लाए थे, कुछ पैनल थे, साथ में गिल्लू था और साथ में फ्रेम तैयार करने के लिए इसकी लरें लेकर आए थे। तो जब आप माल लेकर आ रहे हो, यानी कि पैनल वगैरह परचेज़ करके ला रहे हो, तो आपने ये कोशिश करनी है के जो पैनल है उसको अच्छी तरह से चेक कर लेना है, पैनल किसी जगह से डैमेज तो नहीं। अगर डैमेज हो या टूटा हुआ हो तो आप उसको वापस कर दें। जैसा कि ये हमारे पास एक पैनल आया है, तो ये पैनल सेंटर से डैमेज था, यानी कि इसके अंदर सुराख नहीं था, वैसे टूटा हुआ था, क्रैक था, तो जिस वजह से ये नाकाम था। तो उसके बाद जी हमें चाहिए थी लकड़, जिसको इस्तेमाल करके हमने अपने दरवाज़ों की भराई करनी थी, यानी कि उसका अंदर का मटेरियल। हमारे पास किकर की लकड़ की वेस्ट पड़ी हुई थी, हमने सीढ़ी लगाई थी वुडन, तो उसकी जो वेस्ट बची थी हमने उस वेस्ट को कट करके अपने भराई के लिए जो पीस है वो तैयार किए थे इस दरवाज़ों के लिए। ये अभी केले पैनल ही पड़े हैं, तो ये साथ में हमारे पास लरें जो हम बाज़ार से परचेज करके लाए हैं। तो ये लरें हमने तैयार की थी लकड़ी की, यानी कि पीस तैयार किए थे छोटे, कोई फुट का हो गया, कोई दो फुट का हो गया, यानी कि रैंडमली जो भी हमारे पास वेस्ट पड़ी थी। ये 1.25 इंच का हमने रखा था चौड़ाई के लिहाज से, और जो इसकी ऊंचाई थी यानी कि मोटाई थी वो 1 इंच भी चलती है, 2 इंच भी, जो भी आपके पास में वेस्ट पड़ी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन कारीगर हजरात क्या करते हैं जी, वो चिक बोर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे दरवाज़े का वज़न जो है वो हल्का हो जाता है। आपको अमूमन मार्केट के अंदर हल्के वज़न के दरवाज़े मिलेंगे, जिसको आप ज़ोर से एक अगर पंच भी मारेंगे वो टूट जाएंगे, यानी कि उसके अंदर सुराख हो जाएगा। तो जी उसके बाद फिर हमने अपने दरवाज़ों के साइज़ के हिसाब से, जैसा कि हमें 7 फीट का चाहिए था या 8 फीट का, 8 फीट का पैनल तो नहीं मिलता लेकिन 7 फीट का मिलता है मार्केट के अंदर से, तो उसी हिसाब से फिर हमने अपनी जो लरें थी उनकी कटाई की, कटाई के लिए मार्किंग की। एक बात जो ज़रूरी है, जब आप लरों की यानी कि फ्रेम की कटाई के लिए अपने लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपने कोशिश करनी है कि वो लकड़ी बिल्कुल सीधी हो, उसके अंदर किसी किस्म का जो कहते हैं वट वो ना हो, यानी कि वो टेढ़ी ना हो, किसी जगह से वो मुड़ी हुई ना हो, झुकी ना हो। आपने कोशिश करनी कि वो सीधी हो, बिल्कुल सीधी, आप वो लकड़ी का इस्तेमाल करें। मार्किंग के बाद हमने जी इसको किया कट, कट करने के लिए जैसा कि कटर होता है वो इस्तेमाल किया, और कटिंग करने के बाद हमने इसको तकरीबन 1.5 से 2 इंच बढ़ा के कट किया था। उसकी रीज़न ये थी कि जब हम दूसरी साइड से इसको कट करेंगे तो जो हमारे लरों के जो होगा कांड शांड किसी जगह से बड़ी या किसी जगह से छोटी वो बराबर हो जाएंगी। अब एक साइड से हमारे पास गुनिया हो चुका था, अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी इसको निशान लगा के अपने गुनिया के अंदर कर लेनी है। तो ये हम हो जाएंगे हमारे दरवाज़ों के फ्रेम के लिए जो लकड़ियाँ वो तैयार हो जाएंगी। उसके बाद ये मरहला आया हमें अपने चौगाठों की तैयारी के लिए, यानी कि दरवाज़ों के लिए हमने फ्रेम को जोड़ना था, और ये जो चौड़ाई है ये आपने अपने दरवाज़े के हिसाब से कट करनी है, ताकि ये ना हो कि आप बड़ी कट कर लें या छोटी कट कर लें बाद में आपको मुश्किल पेश आए। तो ये जो हम सेंटर के अंदर छोटा पीस लगा रहे हैं, जिसके ऊपर हम कील लगा रहे हैं, ये हमारे पास वो क्या कहते हैं चूल का काम करेगा। तो ये लें जी हमारा जो फ्रेम है ये अभी एक साइड से तकरीबन रेडी हो चुका है, और उसके बाद हमारे पास दोनों तरफ से रेडी हो जाएगा। तो केल लगाने के बाद ये हमारे पास जो फ्रेम है ये रेडी हो चुका है। ये हमारा फ्रेम है जो हमने अपने 4 फीट के पल्ले के लिए इस्तेमाल किया था, तकरीबन 4 फीट से कम ही होगा। तो बाकी आपने कोशिश करनी है कि जहाँ पर आपने दरवाज़े अपने प्रेस करने हो वो जगह आपके पास हमवार होनी चाहिए। तो ये हमारा पैनल है, पैनल को इंस्टॉल करने यानी कि नीचे लिटाने से पहले आपने कोशिश करनी है कि आप नीचे कोई प्रेस की शीट वगैरह रख लें, ताकि आपका जो पैनल है उसके ऊपर अगर वज़न आए तो किसी जगह से उसका डिज़ाइन जो है वो डैमेज ना हो। हमें हमवार जगह चाहिए थी दरवाज़ों को प्रेस करने के लिए, तो उसके लिए एक तो हमारा फ्लोर था रेडी, टाइल थी क्योंकि उसका लेवल इक्वल होता है, उसके ऊपर हमने एक शीट बिछा दी और उसके ऊपर अपना पैनल रखा है। तो अब हम करते हैं जी अपने वो गिल्लू को तैयार।
तो वो भी आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद ये हमारे पास जो पीस बने हैं ये इसके ऊपर आएंगे ताकि भराई के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, फिर इसके ऊपर प्रेस आएगी। अभी वो फ्रेम है इसका बड़ा पड़ा हुआ है तो वो ऊपर साइड पे आ जाएगा। तो अभी चलते हैं गिल्लू की तरफ। उसके बाद ये हमने गिल्लू को तैयार करना था। गिल्लू के लिए हमारे पास जो गिल्लू था वो तकरीबन 8 किलो था, 8 kg, और हमने तकरीबन आधा लीटर पानी इस्तेमाल किया था सारे गिल्लू को मिक्स करने के लिए। इसको अच्छी तरह से हमने अपनी मशीन के साथ मिक्स कर लिया था ताकि जो गिल्लू है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद ही हमने सबसे पहले अपना पैनल रखा, पैनल के बाद उसके ऊपर जो हमने फ्रेम तैयार किया था वो रखा। तो फ्रेम को हमने अच्छी तरह से गिल्लू लगाया, जो कि अगर आप बाज़ार से दरवाज़े परचेज करें वैसा नहीं होता काम, अगर आप खुद अपने हाथों से तैयार करें तो वैसा हो जाता है। तो उसके लिए हमने इसको अच्छी तरह से कोशिश की थी कि गिल्लू जो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, लेकिन आपने एक लिमिट रखनी है, ये ना हो कि आप हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। आपने फ्रेम को अच्छी तरह से गिल्लू लगा लेना है। गिल्लू लगाने के बाद जब आपका फ्रेम एक साइड से मुकम्मल हो जाए तो आपने फ्रेम को उल्टा कर अपने पैनल के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है, जैसा कि ये हम अब कर रहे हैं। तो जब आप ये फ्रेम को अपने पैनल के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपका पैनल है उसका जो डिज़ाइन है वो आपके फ्रेम के सेंटर में आए। बाद में जो कटिंग हो ये ना हो कि कटिंग करने के बाद जब आपका दरवाज़ा बने तो आपका डिज़ाइन टेढ़ा हो या कोई और तरह का मसला है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने फ्रेम को इस तरह से एडजस्ट करें कि आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एक्चुअल सीधा और पल्ले के सेंटर में आए, बाकी जो वेस्ट होगी पैनल की वो कटिंग के दौरान ही निकल जाएगी। लें जी, अब हमने भराई की थी पैनल के ऊपर। तो पैनल के लिए सबसे पहले तो हमने गिल्लू को लगाया, गिल्लू को अच्छी तरह से लगाया ताकि हमारा जो पैनल है वो उसके ऊपर जब लकड़ियाँ वगैरह आएँ तो ये ना हो कि किसी जगह से लकड़ी जो हमने पीस तैयार किए थे वो भागे फिरें, यानी कि फ्री हो जाएँ। तो उसके लिए हमने ब्रश के साथ, 3 इंच का ब्रश था हमारे पास, उसके साथ हमने अच्छी तरह से गिल्लू को उसके ऊपर लगाया, यानी कि फेरा, जैसे कि हम पेंट वगैरह करते हैं किसी दरवाज़े के ऊपर। और उसके बाद ही हमने फिर गिल्लू लगाने के बाद, आपने इसको टाइम ज़्यादा नहीं देना, ये ना हो कि आप गिल्लू लगा कर रेस्ट करें और आपका जो गिल्लू है वो खुश्क हो जाए। उसके बाद जो हमने गज़ तैयार किए थे दरवाज़े की भराई के लिए उनको अच्छी तरह से जोड़ा। अमूमन ये जो गज़ हैं ये आप, अगर फिर से वही बात करूँगा कि आप मार्केट के अंदर दरवाज़े तैयार किए हुए परचेज़ करेंगे तो वो आपको ऐसे दरवाज़े ऐसे लकड़ी के साथ नहीं प्रोवाइड करेंगे। उसके अंदर उन्होंने जो भी उनको लकड़ी की वेस्ट मिलती है वो उठानी होती है लकड़ी वालों से और अपने पल्लों यानी कि दरवाज़ों के अंदर इंस्टॉल करनी होती है, और लकड़ी वालों से वेस्ट उठानी होती है। किसी किस्म की मिले, चाहे वो शीटों की मिल जाए जो हम पार्टेक्स की या क्राफ्टेक्स की इस्तेमाल करते हैं शीटें अपने कैबिन वगैरह बनाने के लिए, वो मिल जाएँ, चिकबोर्ड मिल जाएँ, जो भी मिल जाएँ, प्लाइयाँ मिल जाएँ, वो इस्तेमाल करते हैं। तो हमने एक ठोस मटेरियल इस्तेमाल किया था दरवाज़े की भराई के लिए। तो अभी हम करते हैं वीडियो को ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं जब दरवाज़े की एक साइड से भराई मुकम्मल हो जाएगी। तो ये हमने कुछ इस तरह से दरवाज़े की भराई की थी, यानी कि अच्छी तरह से हमने दरवाज़े की भराई की थी। और एक बात, जब आप जो आपका डिज़ाइन हो जो अंदर की तरफ झुका होता है यानी कि मुड़ा होता है, आपने उसके ऊपर किसी किस्म का वज़न नहीं डालना। अगर आप वज़न डालेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो डैमेज हो जाएगा और जिस वजह से आपका जो पैनल है वो ख़राब हो जाएगा, यानी कि वो टूट जाएगा। तो आपने उस डिज़ाइन के अंदर अंदर रहते हुए आपने अपना जो भराई है वो करनी है, चाहे वो किसी भी आप लकड़ के साथ, चाहे कच्ची के साथ कर लें, चाहे आप भराई पक्की लकड़ के साथ कर लें। गिल्लू लगाने के, दोबारा गिल्लू लगाने की ये वजह है कि उसके ऊपर हमारा जो पैनल है आकर सेट होना होता है, तो आपने उनके ऊपर भी अच्छी तरह से गिल्लू लगाना है, भर कर लगाना है, ताकि ये ना हो कि आपका जो कोई गज़ है वो अकेला या खुश्क रह जाए। ये नहीं, गिल्लू लगाने के बाद हमने अपना जो पैनल की दूसरी साइड से हमारे दरवाज़े की वो इंस्टॉल की है। अब यहाँ पर वही मेन बात आती है कि आपने अपने पहले पैनल को मद्देनज़र रखते हुए दूसरे पैनल को उसके ऊपर लगाना है, कि ये ना हो कि एक साइड से बड़ा हो और एक साइड से छोटा हो, बस आपने कोशिश करनी है कि बराबर में आ जाए। और उसके बाद जी हमने उसके ऊपर डाला था वेट, वेट से मुराद वज़न डाला था,
वज़न के लिए आपके पास पहले तो एक शीट होनी चाहिए। शीट के लिए आप कोई भी बड़ी सी शीट ले लें जो आपको प्लाई वगैरह की मिलती है। उसके बाद आपने उसके ऊपर किसी किस्म का भी वज़न डालना वो लगाएं। हमारे पास टाइलें पड़ी थी जो फ्लोर की थी वो हमने रखी, उनका काफ़ी हद तक वज़न था। और हमने पैनल एक नहीं पल्ला तैयार किया था, तकरीबन 4 से 5 पल्ले तैयार किए थे। तो इसी वजह से हमारे पास जो वज़न था वो तकरीबन काफ़ी बन चुका था उनके हिसाब से। लें जी, फिर 2 दिन के बाद हमने उसके ऊपर जो वज़न डाला था टाइलों का, वेस्ट का, यानी कि जिस तरह का भी वज़न डाला था वो हमने उठाया और अपने पल्ले को टेस्ट किया। तो ये हमारा वो पल्ला जिसके अंदर हमने बुराई वगैरह की थी और इसको अच्छी तरह से चेक किया उठा के, किसी जगह से कोई मसला तो नहीं। और इसके अंदर हाँ, जब आप पल्ले को बनाकर फिनिश करें तो आपने चेक करना है अच्छी तरह से उसको मुक्की वगैरह मारकर, ताकि किसी जगह से कोई खला तो नहीं। और ये भी चेक करना है कि इसके अंदर कोई कान वगैरह तो नहीं, आपका गुनिया क्लियर है। तो इस तरह से आपके मलेशियन पैनल के डोर तैयार होते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर इससे ज़रा मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि उनके पास जो भी वेस्ट आएगी उन्होंने पकड़नी है और इस्तेमाल करनी है, चाहे वो कच्ची लकड़ हो चाहे वो पक्की लकड़ हो। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो, वीडियो का पार्ट 1 था। तो और वीडियो के पार्ट 2 के अंदर हम इसी दरवाज़े को इंस्टॉल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।